कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना संकट काल में किसानों ने खून पसीना एक करते हुए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने देश को उम्मीदों की नई रोशनी दी। आज मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में निर्णय लेकर उनकी हर संभव मदद करेगी। धान की रोपाई हम करा रहे हैं और सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश करते ताकि और बोनी समय को पूरी हो जाए। उसके अलावा सरकार आरबीसी 6-4 में राहत देने का प्रावधान है, उसके तहत हम किसानों को अगर सूखा के कारण या फसल खराब होती है, इल्ली का प्रकोप होता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है तो राहत दी जाती है ताकि किसान को कर्ज में ना डूबना पड़े और उसको राहत मिलती है। उसी के साथ फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अगर फसल खराब होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा जीवनदाता है और कोरोना के संकट में किसान ही और खेती ही ऐसी है जिसने इस देश को एक नई उम्मीद जगाई है कि कोरोना के संकट में सब लॉकडाउन था लेकिन खेती चालू थी और किसान ने दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। इसके लिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनके लिए हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।